हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मध्य जनवरी आने वाली है। ठंडी ठंडी सुबह में हल्के हल्के सूर्य की किरणें, सुहाना सा मौसम और मकर संक्रांति का त्यौहार, बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को आता है। कभी कभी एक दिन आगे पीछे होता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ये शुभ संयोग में आ रही है मकर संक्रांति। अगले 70 सालों तक ऐसा शुभ संयोग नहीं आने वाला है दोस्तों। हम हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं। कभी कभी पृथ्वी की गति और स्थितियों के कारण ये एक दिन कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। और इस बार दोस्तों 14 जनवरी को हम मनाएंगे मकर संक्रांति। शुभ मुहूर्त है सुबह 7:50 से लेकर के शाम को 5:57 तक। दोस्तों, साल में 12 संक्रांतियाँ आती है। उनमें से मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में आते हैं और इसके साथ ही देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, सारे शुभ काम होने लगते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान करना, दान करना, पूजन करना, इनका विशेष महत्व होता है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्व होता है सूर्य देव का अपने पुत्र शनि के घर में आना। और इस साल मकर संक्रांति पर कुछ ऐसा संयोग बना है जिससे सूर्य और शनि दोनों को एक साथ खुश किया जा सकता है। और ये ऐसा संयोग है दोस्तों जो बहुत सारे सालों के बाद बन रहा है। दरअसल इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव सुबह 7:38 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और संयोग की बात है दोस्तों कि इस बार इस दिन शनिवार है, और शनिवार के दिन मकर संक्रांति का होना एक दुर्लभ संयोग माना जाता है। शनि के बहुत सारी राशियों पर 7:30 ही चल रही है, और शनि को खुश करने का ये सबसे अच्छा अवसर माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन है, तो दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। ये समय दान के लिए विशेष महत्व रखता है। इस समय आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है ये। और सूर्य जब उत्तरायण का आता है, उस समय कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो दोस्तों वो लाभ देने वाला माना जाता है। यही वजह है जनवरी से, जो 14 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा, उससे ले करके जून के मध्य तक सूर्य उत्तरायण होते हैं, और सभी शुभ कार्य इसी मुहूर्त में करने का नियम आता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना। इसलिए वो राशि जिसमें सूर्य प्रवेश करते हैं वो संक्रांति की संज्ञा से विख्यात होती है। 14 जनवरी के दिन या इसके आसपास सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने का विशेष विधान आता है। मान्यता ऐसी होती है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। दोस्तों, बहुत सारी कथाएं प्रचलित है हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मकर संक्रांति, इसको सूर्य का पर्व माना जाता है, और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से अपनी दिशा बदल करके उत्तरायण हो जाएंगे। पहले के समय में सुबह सूर्य उदय के साथ ही पतंग उड़ाना शुरू हो जाता था। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। ये समय सर्दी के मौसम का होता है, और इस मौसम में सुबह के सूर्य प्रकाश शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, और त्वचा और हड्डियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है। स्पेशली गुजरात का पतंग महोत्सव बहुत ही पॉपुलर होता है। सभी पुरुष हो, स्त्री हो, सभी अपने अपने छतों पर चढ़कर तिल और गुड़ में पैसे दबा दबा करके बच्चों को देते हैं, और साथ ही पूरे दिन पतंगे उड़ाते हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत ही कम होने लगता है, जिसके कारण शरीर में रोग और बीमारी जल्दी लगने लगती है। इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान खाए जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्व होते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। और दोस्तों, इसलिए इस दिन खास तौर पर
तिल और गुड़ के लड्डू खाने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव से क्रोध छोड़ करके उसके घर गए थे, इसलिए इस दिन को सुख और समृद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान करें, दान करें, पूजा करें, कई गुना हजार गुना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। और दोस्तों आपको पता भी होगा इसी दिन गंगा सागर का मेला भी रहता है। दोस्तों सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल में भी फसलों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। सारी फसलें कट चुकी होती है और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती है। दोस्तों खेतों में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। पूरे देश में इस समय खुशी का ज़बरदस्त माहौल होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाते हैं, वहीं उत्तर भारत में इसे लोहड़ी मानते हैं। दोस्तों मध्य भारत में संक्रांति कहते हैं और मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघी, खिचड़ी आदि नामों से भी अलग अलग प्रांतों में जाना जाता है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले जनवरी की शुरुआत हुई है। पूरे दुनिया में नए वर्ष का सा माहौल है और उसके बाद साल का ये पहला खूबसूरत त्यौहार आ रहा है, जिससे इस त्यौहार का और महत्व बढ़ जाता है और खुशियां हमारी दुगुनी होने लगती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इस दिन को बहुत सारी सिंधी समाज वाले जो होते हैं वो संक्रांति पर कन्याओं को दान करते हैं। इस दिन पूर्वजों के नाम पर बेटियों को आटे के लड्डू, तिल के लड्डू, चिक्की और मेवा दान किया जाता है। दोस्तों बंगाली समाज में विशेष रूप से संक्रांति का महापर्व मनाते हैं, जिसमें तिल के व्यंजनों के अलावा खास चावल से बना मीठा व्यंजन पाठी और पीठा साप्ता को विशेष तौर पर बनाया जाता है। दोस्तों पानी में तिल डाल करके अगर आप कहीं पर भी स्नान करने नहीं जा सकें तो पानी में घर में ही तिल डाल करके स्नान करें। साथ ही स्नान के बाद आग में तिल का तेल या तिल के पौधे के सूखे डंठल डालकर आप चाहे तो हाथ सेक सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। अलग अलग हमारे जो अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग उसके उसमें नियम होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जो सुहागन महिलाएं होती है तुलसी की आराधना और पूजा करती है। स्नान करके मिट्टी से बना हुआ छोटा सा घड़ा जिसे सुहाना चावाण कहते हैं, उसमें तिल के लड्डू, सुपारी, अनाज, खिचड़ी और दक्षिणा रखकर दान का संकल्प लेती है। दोस्तों तिला दानम धर्म ग्रंथों और लोक श्रुतियों में इस दिन को बहुत विशेष बताते हैं और इस दिन दान का इतना महत्व है, विशेषकर तिल दान का, तो महिलाएं पूजा करते वक्त सुहाग की निशानियों को भी चढ़ा करके साथ में तिल के लड्डू 13 सुहागनों को बांटती है। दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो ये भारत में महापर्व की तरह मनाया जाता है, जहाँ एक ही मान्यता अपने अंदर बहुत सारे रीति रिवाज और परंपरा समेटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, दोस्तों वहाँ पर इन सब जगहों पर लोहड़ी के रूप में, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में संक्रांति के रूप में और उत्तर प्रदेश, बिहार में खिचड़ी पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत समय है और मकर संक्रांति के दिन ही माना जाता है गंगा जी भागीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। इसके अलावा महाभारत काल के भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के पावन दिन को चूज़ किया था। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत दिन है, तभी सारे देश में सभी लोग गंगा सागर मेले में भी जाते हैं। दोस्तों माना जाता है वहाँ पे एक डुबकी लगाने से आपके कई प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों कई गुना ज़्यादा महत्व है, हज़ार गुना ज़्यादा महत्व मिलता है, तो मौका मिले तो गंगा सागर जाए, नहीं तो अपने अपने आस पास कोई भी तीर्थ स्थल हो, छोटा सा तालाब हो, कोई सरोवर हो, कोई कुंड हो, कोई नदी हो, कोई सागर हो, वहाँ पर एक डुबकी ज़रूर लगा करके आएँ। दोस्तों आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर देखते हैं, जहां रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देव की हम पूजा करते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में सक्सेस आए तो इस पर्व पे आपको कोई ना कोई छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। आपको मैं अगले वीडियो में राशि अनुसार उपाय भी ज़रूर बताऊँगी, आप चाहें तो उसके अनुसार भी कर सकते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। अपने मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से, अपने जो भी
फ्रेंड्स और फैमिली है उन सभी से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।